हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग डेली के कमेंट करते कि हमारे हाथों पे रंग नहीं चढ़ता है, गहरा नहीं होता है, छिल्टों की सूरत में उतरता है। एंड मैंने बहुत सारे जो वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड मैं आप लोगों को ये भी चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जितना भी अगर आपको कलर नहीं रचता है एंड आपकी कलर मेहंदी जो बहुत फीकी फीकी होती है, आपने बहुत सारे रेमेडीज़ ट्राई करके देखे, तो आप इसको ज़रूर बना देखना। ये आपके हाथों पे गहरा कलर तो रचेगा ही रचेगा, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, छिल्टों की सूरत में नहीं उतरेगा। एंड इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि ब्राइड्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। आपको पता है ना, ब्राइड्स को कितना गहरा कलर चाहिए होता है, तो वो तक इसको इस्तेमाल कर सकती है। एंड बहुत अमेजिंग कलर देता है एंड बहुत नेचुरल तरीके से जो है हम इसको घर पर बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसके बाद इसमें मैं एक ग्लास के करीब इसमें पानी को ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे एक से दो कोन के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप बल्क में बना रहे तो आप जो है उस तरीके से जो है बना सकते हैं। गैस को ऑन कर दूंगी एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी जो रेमेडी है, आपने बहुत सारी रेमेडी ट्राई करके देखी है, तो इस बार इस मेथड से ज़रूर बनाइए, बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। यहाँ पे कलर रचता ही नहीं है, तो ये रेमेडी बहुत अमेजिंगली वर्क करती है, आपको गहरा काला और गाढ़ा कलर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, यहाँ तक कि नाखूनों पर भी जो है इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपको नेल्स मेहंदी के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैंने नेल्स मेहंदी की भी बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी टी, यानी ग्रीन टी। आपने डिप वाली नहीं लेना है, आपने इस तरीके से ड्राई वाली लेना है। और यहाँ पे एक चम्मच के करीब जो है इसमें मैं डाल दूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा और गहरा रचता है। उसके बाद इसमें मैं आधा चम्मच के करीब चाय पत्ती को ले लूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा गहरा रचता है, बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आपके हाथों पे रहता है। जो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज जो है ये आपके हाथों में बहुत अच्छा और गहरा कलर देने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ग्रीन टी का कलर भी चेंज हो गया, जैसे मैं इसको डालूंगी तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। एंड ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट है गाढ़ा कलर देने में। उसके बाद इसमें मैं तीन से चार लौंग को ऐड करूंगी। लौंग जो होता है, क्लोव्स जो होता है, ये आपके हाथों को बहुत ज़्यादा गहरा लॉन्ग लास्टिंग कलर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेहंदी छिल्टों की सूरत में नहीं उतरेगी, जिनके हाथों पे कलर नहीं रचता है उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। ब्राइडल भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता है ना कि ब्राइडल कितना ज़्यादा उनका गाढ़ा और गहरा कलर होता है, तो उसमें ही बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। तो जो लौंग है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे से पांच लौंग जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये दोनों का ही ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट है, दोनों तीनों का ही, जो आपको गहरा लॉन्ग लास्टिंग कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लौंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, गहरा गाढ़ा कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये आपको। अच्छा गाइस, मैंने लास्ट बहुत सारे पिछली वीडियोस में जो है ये नीलगिरी ऑयल का इस्तेमाल किया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी जगह पे हम ऑलिव ऑयल को डाल सकते हैं क्या, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा कलर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक और जो है ऑयल रेकमेंड करूंगी, जो घर पे हर किसी के बहुत इजीली मिल जाता है। ये मस्टर्ड ऑयल जो है हर किसी के घर पे मिल जाता है, खाने में भी बहुत इजीली जो है इस्तेमाल होता है। तो मस्टर्ड ऑयल का जो है आपने आधा चम्मच डाल देना है, बहुत इजीली आप लोगों के घर में मिल जाएगा। तो अगर इससे आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें अदर देन ऑलिव ऑयल के, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल जो है ये गहरा कलर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, गाढ़ा कलर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। छिल्टों की सूरत में जो है वो मेहंदी नहीं उतरती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इवन की नेल मेहंदी में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। नाखूनों पे जो ये जो मैंने अभी ये जा रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये नेल मेहंदी जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है एंड नेल पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ये मस्टर्ड ऑयल का जो है आपने इस्तेमाल करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो कि आपके पास जो है आपको सूट करता हो
आपने उसका इस्तेमाल करना है। ऐड करूंगी नीलगिरी ऑयल 2 से 3 बूंद। अच्छा, नीलगिरी ऑयल भी मैं इसमें ऐड करूंगी, मस्टर्ड ऑयल भी इसमें मैं ऐड करूंगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है नीलगिरी ऑयल, वैसे तो ये केमिस्ट स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाता है, ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते। 2 से 3 बूंद डालना है, ज्यादा नहीं डालना है आपने। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये बहुत ज्यादा गहरा कलर देने में आपको हेल्प करता है, तो आपने मस्टर्ड ऑयल को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, या फिर नीलगिरी ऑयल मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत कम प्राइस में आपको केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगा, एंड ये जो है काफ़ी टाइम तक आपको चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी मस्टर्ड ऑयल, एंड मस्टर्ड ऑयल जो है मैं सिर्फ आधा चम्मच के करीब इसमें ऑयल को ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं ऐड करना। आप देख सकते हैं ऑयल्स के बबल आना शुरू हो गए, तो मस्टर्ड ऑयल को जो है आप इसमें ऐड ज़रूर से करें। ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली है, एक अमेजिंग सा एरोमा आना शुरू हो चुका है, एंड इसको अच्छी तरीके से पकने के बाद जो है हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, एंड ये जो है अच्छी तरीके से इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, जैसे कि अभी आ रहा है। एंड इसको अच्छी तरीके से अपने 2 से 5 मिनट पकाना है, ताकि जितने भी इन्ग्रीडियंट हमने इसमें डाले हैं वो सारे की ही गुडनेस इसमें बहुत ईजिली मिल जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है मेहंदी को मिक्स करने के लिए, एंड जो है यहाँ पे मैं ये बली हिना को ले लूँगी। जिस तरीके से मैंने मेथड बताया, अगर आप कोई भी हिना में, लाइक ऑर्गेनिक हिना में अगर आप मिक्स करके लगाते तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ जो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपको सूट करती हो आपने उसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारी जगह पर ये अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मैं चाह रही थी मुझे बहुत ईजिली मिल जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, बहुत अमेजिंग कलर आता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, एंड छिल्टों की सूरत में भी मेहंदी नहीं उतरती है, तो मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। मैं 1 से 2 कोन के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं उस रेशियो से जो है मेहंदी को ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो बल्क में, तो आप मेहंदी का रेशियो जो है डबल से ट्रिपल भी कर सकते हो, बट मैं 1 से 2 कोन के हिसाब से ही बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से इसका जो है रेशियो रखूँगी। एंड जो है ये जो हमने पानी में सारे इंग्रेडिएंट डाले थे, इसको जो है अच्छी से छन्नी की मदद से मैं इसमें छान लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से मैं इसमें इसको छान लूँगी, ठीक है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, जब ये गर्म होना तभी इसको छानना है, अदरवाइज़ ठंडा होने के बाद नहीं। वार्म जब होता है तो मेहंदी मिक्स करने में भी बहुत आसानी होती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अपने रिक्वायर्ड अमाउंट डालना है, बहुत ज़्यादा थिन और थिन पेस्ट नहीं करना है, पतला और गाढ़ा पेस्ट आपने नहीं करना है। उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, एंड कोई भी तामझाम नहीं रखा है, 2-3 इंग्रेडिएंट जो है सिर्फ आपने पानी में उबालने हैं एंड मेहंदी को मिक्स करना है। गाइस ट्रस्ट में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जो है और पानी की रिक्वायर्ड है तो ज़रूर से डालें, अदरवाइज़ बहुत गाढ़ा पेस्ट और बहुत पतला पेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि कोई भी लर्म्स गांठे वगैरह नहीं रहे। एंड और एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको आपने छोड़ना है ओवरनाइट पे जो है आपने इसको अच्छी तरीके से छोड़ देना है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं वो जो है इसकी गुडनेस इसमें आ जाए। मेहंदी का कोन ओवरनाइट छोड़ने के बाद जो है आप कोन में फिल करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके आप लोगों को मिलेंगे, ट्रस्ट में पहली बार में ही जो है आप इसे इंप्रेस हो जाएंगे, एंड हमेशा घर पे ही बनाएंगे, कभी भी मार्केट से नहीं लाओगे, ये बहुत अच्छी तरीके से वक्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोन घर पे कैसे बनाते हैं, वो भी ईजी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।